subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकलपीडिया में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है बल्ब इन थर्मामीटर सेकंड ऑर्डर, मतलब सेकंड ऑर्डर में जो हमारा थर्मामीटर का है उसका आज हम बात करेंगे डेरिवेशन की। जैसा कि आप लोग काफ़ी परेशान थे इस टॉपिक को लेकर कि सर ये टॉपिक जरूर पहले बनाइए, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को पहले ध्यान में दिया क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे कि कैसे इसका डेरिवेशन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं इसका डेरिवेशन काफ़ी लंबा है, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे इजी स्टेप आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल उसे कर लेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पहले इसे कर लिया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किया जाता है। एक बात ध्यान रखिए, पहले आप इसे नोट डाउन करने की कोशिश मत कीजिएगा, पहले एक बार आप समझ लीजिएगा, फिर वीडियो रिवाइज करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इसका फिगर है उसको देखते हैं। तो जैसा हमने फर्स्ट ऑर्डर में देखा था मर्करी थर्मामीटर का, सेम फिगर उसी टाइप का होगा इसका भी। देखिए जैसा है उसी टाइप का फिगर बिल्कुल होगा। इसमें हमारी मर्करी फिल है, मान लेते हैं उसका टेम्परेचर कुछ था वो है टी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा बल्ब है जिसमें मर्करी हमारी फिल होती है, ये हमारा बल्ब है, ठीक। इसका टेम्परेचर मान लेते हैं टी बी, बल्ब है तो इसलिए बी हमने मान लिया। ये जो हमारी कन्वेक्टिंग फिल्म है जहाँ से हीट ट्रांसफर होता है उसका मान लेते हैं टी एफ, फिल्म है इसलिए टी एफ हमने मान लिया। इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव फिल्म, और इसे आप लिख सकते हैं वॉल आप लिख सकते हैं, ठीक, ग्लास वॉल लिख लें कोई दिक्कत नहीं है, ग्लास वॉल। ये आपको फिगर इसमें बनाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल में हम क्या करते हैं पिछले स्टेप में, तो अगर यहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है तो हम क्या बैलेंस करेंगे, एंथैल्पी बैलेंस। और इसमें दो चीजों को हमें बैलेंस करना है, एक तो हमें बल्ब को बैलेंस करना है एंथैल्पी, और दूसरा हमें मर्करी का करना है। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, बल्ब का। तो चलिए देखते हैं एंथैल्पी बैलेंस अराउंड बल्ब एट कौन सा कंडीशन, एट अनस्टडी स्टेट कंडीशन। इतने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इस इक्वेशन को आपको बनाना तो पहले से आता, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। तो क्या लिखा जाता पहले इसमें, रेट ऑफ हीट इनपुट, कितना हीट इनपुट हुआ इसमें, माइनस रेट ऑफ हीट आउटपुट, कितना बाहर निकला, इक्वल टू रेट ऑफ हीट एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब इसमें कितना बचा हमारे पास, कितना हीट इसमें इनलेट हुआ, कितना इससे बाहर गया, और बाकी इसमें बचा कितना, ठीक। तो अब देखते हैं क्या होता है, रेट ऑफ हीट इनपुट, तो हम क्या जानते हैं कन्वेक्शन में क्या फार्मूला होता है, एच ए डेल्टा टी। तो मान लेते हैं इसमें इनिशियल कंडीशन में क्या हो रहा है, इसमें जब इन हो रहा है हमारा बल्ब के थ्रू तो क्या हुआ, एच नॉट ए नॉट, नॉट इसलिए लगाएं कि इनिशियल है, ठीक। एच ए डेल्टा टी कहाँ से कहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है, टी एफ से टी बी की तरफ, यही हो रहा है ना, मतलब कन्वेक्टिंग फिल्म से बल्ब की तरफ हो रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, टी एफ माइनस टी बी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस रेट ऑफ हीट आउटपुट, कितना आउटपुट हुआ, इसने कितना आउटपुट दिया, तो इसने कितना दिया, टी को दिया ना, तो क्या होगा, एच आई, मान लेते हैं आई उसको मान लिए, एच आई ए आई, क्या होगा, टी बी माइनस टी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इनिशियल हो गया और किसको ट्रांसफर किया, मर्करी को, टी। अब क्या होता है, डी अपॉन डी टी, क्या होता है, एम सी पी डी टी। तो सिंपल सा आप पहले लिखिए, कंफ्यूजन मत होइए, एम सी पी डी टी। अब किसके लिए निकाल रहे हैं, बल्ब के लिए निकाल रहे हैं ना, तो एम बी सी पी बी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, एच नॉट ए नॉट टी एफ माइनस टी बी, ऐसा मैं आपको करा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ मैं, एच आई ए आई टी बी माइनस टी इक्वल टू, इसको बाहर ले आते हैं, कॉन्स्टेंट है, एम बी सी पी बी डी टी अपॉन डी टी, इक्वेशन वन इसको मान लिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो हमारा था अनस्टडी स्टेट में, अब किस में बात करेंगे, एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या करते हैं, हम सफिक्स में एस लगा देते हैं, तो क्या करेंगे, एच नॉट ए नॉट
टी एफ एस माइनस टी बी एस माइनस एच आई ए आई टी बी एस माइनस टी एस इक्वल टू एम बी सी पी बी डी टी एस अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो होता है, या जरूर लिखा करें क्योंकि स्टडी स्टेट में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, सारी चेंजिंग जीरो होती हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन माइनस टू जैसा हम पहले करते थे सेम उसी तरीके से करेंगे। तो क्या करेंगे, कॉमन हम लेंगे एच नॉट ए नॉट कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, इसको इसको घटाएं टी एफ माइनस टी एफ एस माइनस इसको इसको घटाएं टी बी माइनस टी बी एस, ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर हमारा क्या कॉमन आ रहा है, एच आई ए आई कॉमन आ रहा है, तो एच आई ए आई हमारा हो गया, इसको कॉमन लेते हैं टी बी माइनस टी बी एस माइनस टी माइनस टी एस। इतने में तो मैं समझता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं पिछले करा चुका हूँ बहुत सारी वीडियो इस पर। अब इसको देखो क्या कॉमन है, एम बी पी बी दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा एम बी सी पी बी कॉमन हो गया, क्या बचा डी टी माइनस टी एस और ये डी टी, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आई होगी। अब हम क्या करेंगे, कुछ इसको मान लेते हैं जो ये बड़े बड़े टर्म है इसको कुछ मान लेते हैं, तो क्या करेंगे लेट माना टी एफ माइनस टी एफ एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं टी डैश एफ टी इतना मान सकते हैं। ठीक, अब इसको टी बी माइनस टी बी एस इक्वल टू मान लेते हैं टी डैश बी टी, ये दोनों हो गए, ये तो हम मान ही चुके हैं, इसको मान लेते हैं टी माइनस टी एस इक्वल टू टी डैश टी, सारे लगभग हमने मान लिया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें हम एच नॉट ए नॉट, इसका क्या होगा हमारा टी डैश एफ टी माइनस टी डैश बी टी, ठीक है माइनस एच आई ए आई, क्या हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू हमारी टी डैश बी टी माइनस टी डैश टी इक्वल टू एम बी सी पी बी डी अपॉन डी टी, यहाँ क्या हो जाएगा टी डैश टी, कोई तो प्रॉब्लम आपको यहाँ तक नहीं आएगी। ठीक, अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लाप्लास लेंगे, जैसा हम जानते हैं लाप्लास लेते हैं, लाप्लास दोनों तरफ बोथ साइड, लाप्लास बोथ साइड, हम दोनों साइड लाप्लास लेते हैं, तो क्या करेंगे एच नॉट ए नॉट क्या हो जाएगा टी डैश एफ एस माइनस टी डैश बी एस माइनस एच आई ए आई टी डैश बी एस माइनस टी डैश एस इक्वल टू एम बी सी पी बी, इसका फार्मूला मैंने आपको पिछले कई बार बताया, तो क्या हो जाएगा एस टी डैश एस माइनस जीरो। ठीक, अब क्या करें, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे एच नॉट ए नॉट टी डैश एफ एस माइनस एच नॉट ए नॉट टी डैश बी एस माइनस इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करें एच आई ए आई टी डैश बी एस, ये निगेटिव चिन्ह बाहर है तो ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एच आई ए आई टी डैश एस इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बी सी पी बी एस टी डैश बी एस। अब आप देख रहे होंगे इधर टी डैश बी का है और इधर टी डैश बी है और इधर टी डैश बी है, इसको उधर करके कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए कैसे एच नॉट ए नॉट टी डैश एफ एस और क्या बचा प्लस एच आई ए आई टी डैश एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख लें एम बी सी पी बी एस प्लस इसको उधर करें तो क्या होगा एच नॉट ए नॉट और इसको करेंगे तो क्या होगा प्लस एच आई ए आई और बाहर क्या होगा हमारा टी डैश बी एस। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो मैं ऊपर से तो मिटा दूँ कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर का चीज़ मैं मिटा देता हूँ, आपको बस धैर्य बनाए रखना है, कुछ है नहीं इसमें, आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा, लेकिन बस स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे आप तो गलतियाँ होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे आपके। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्या करना है, इसको उधर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं टी डैश बी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा
एच नॉट ए नॉट टी डैश एफ एस प्लस एच आई ए आई टी डैश एस, कितनी वैल्यू यहाँ की आ गई अपॉन में, किस वैल्यू आएगी ये वाला एम बी सी पी बी एस प्लस एच नॉट ए नॉट प्लस एच आई ए आई, कितनी वैल्यू आएगी इसको आप अभी ऐसे ब्रैकेट बना के रखिएगा, इसका काम है हमें, ठीक ना, इसको कोई भी इक्वेशन आप दे दीजिए, इसका हमें काम है। चलिए कौन सा इक्वेशन दे दें, तीन दे देते हैं, चलिए ठीक। अब इसको हम नीचे का मिटा देते हैं क्योंकि अभी हमें दूसरा प्रोसेस बचा हुआ है। अब हमें किसका निकालना था, एक तो हमने बल्ब का निकाल लिया, दूसरा हमें मरकरी का निकालना था। तो मरकरी के लिए मैं आपको फिर से फिगर छोटा सा दिखा देता हूँ, इसका टेम्परेचर टी था, इसका टी बी था, इसका टी एफ था। अब देखो क्या लिखना है हमें, एंथैल्पी एंथैल्पी बैलेंस अराउंड इसके मरकरी एट कौन सी कंडीशन, अनस्टडी अनस्टडी स्टेट कंडीशन में लिखना। तो फिर से मैं लिखना है क्या, रेट ऑफ हीट इनपुट माइनस आउटपुट इक्वल टू रेट ऑफ हीट एक्यूमुलेशन, ठीक वही सेम प्रोसेस लिखना है। तो अब चलिए देखें क्या होगा इसमें, इनपुट में क्या होगा एच ए डेल्टा टी में, अरे कौन सा इनपुट है, आई वाला है ना, क्योंकि बल्ब से इसमें इनपुट होगा ना, एच ए डेल्टा टी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, बी टू टी तक, टी बी से टी तक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट मरकरी किसी को आउटपुट नहीं दे रही है, मतलब आउटपुट इसका जीरो। अब बचा क्या हमारा, डी अपॉन डी टी एम सी पी डी टी में टी। अब आप सोचेंगे यहाँ बी क्यों नहीं लिखा, तो टेम्परेचर का जो मरकरी का टेम्परेचर हमने टी माना था, तो एम सी पी टी, ठीक यहाँ डी टी हम लिख सकते हैं या टी लिखे कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन में इसको कुछ दे दें, इक्वेशन नंबर फोर। अब क्या करेंगे हम इसको इधर ले आते हैं, अभी टी बी माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एम सी पी अपॉन एच आई ए आई, अब बचा क्या डी अपॉन डी टी में टी, ठीक है ना। अब क्या यहीं पर हमें एक चीज मानना है, यही मान लेते हैं हम एम सी पी अपॉन एच आई ए आई इक्वल टू टाउ टू एंड एम बी सी पी बी अपॉन एच नॉट ए नॉट इक्वल टू टाउ वन, ये हमारा मरकरी के लिए है और ये हमारा क्या था, जहाँ बी बी लगा दिए वहाँ हमारा क्या हो गया इसके लिए बल्ब के लिए हमारा हो गया, ठीक इसका कहीं यूज है इसलिए हमने अभी लिख लिया, माना इसको चूंकि मान लिया हमने। अब क्या करेंगे यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, टी बी माइनस टी इक्वल टू टाउ टू डी टी अपॉन डी टी, ठीक है ना, ये हमारा किस कंडीशन में है, एट अनस्टडी स्टेट कंडीशन में। तो इसको कुछ दे दें क्वेश्चन फाइव, अब स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या लिखेंगे, एट स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट में क्या लिखेंगे टी बी एस माइनस टी एस इक्वल टू टाउ टू डी टी एस अपॉन डी टी, इक्वेशन इसको कुछ दे दें छः नंबर दे दें। अब क्या करेंगे इक्वेशन फाइव माइनस सिक्स कर दें, ये फाइव जो हमारा आया था इससे घटा दें हम, तो क्या आ जाएगा टी बी माइनस टी बी एस माइनस टी माइनस टी एस, ये हो गया इक्वल टू टाउ टू, दोनों तरफ कॉमन है इसलिए कॉमन ले लिए, बचा क्या डी अपॉन इसको बाहर कर लें डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी टी माइनस टी एस, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले से ये मान चुके थे लेकिन फिर भी मान लेते हैं, आपको भूल गया होगा टी बी माइनस टी बी एस इक्वल टू टी डैश बी एस, हमने माना था पहले ही टी माइनस टी एस इक्वल टू टी डैश, इसको इसने टी मानी है टी, ठीक ना, इसने इस वैल्यू को इसमें पुट करें तो क्या आएगा टी डैश बी टी माइनस टी डैश टी इक्वल टू टाउ टू, इसका क्या हो जाएगा हमारा डी अपॉन डी टी ब्रेकेट में टी डैश टी। अब दोनों तरफ हम क्या लेंगे लाप्लास, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप बिल्कुल नॉर्मली से कर सकते हैं और मैंने पहले कराया भी है, ठीक। तो क्या करेंगे टी डैश बी टी की जगह एस हो जाएंगे टी डैश एस इक्वल टू टाउ टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा एस टी डैश एस माइनस जीरो, ठीक है ना, इसकी वैल्यू में प्राप्त हो गई।
अब क्या हमें क्या करना है यहाँ से, देखो यहाँ टी डैश एस है, यहाँ भी टी डैश एस है, तो उसको कॉमन कर लें, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ टू एस प्लस वन, ये कर गया। और क्या कॉमन लिया था हमने, टी डैश एस, ये हमारी एक वैल्यू प्राप्त हुई है। ये हमने क्यों प्राप्त किया, क्योंकि देखो यहाँ हमने टी डैश बी एस है ना, ये वैल्यू यहाँ हमें पुट करनी है। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन को दे दें, इक्वेशन सेवन की वैल्यू किसमें पुट करने पर, ये हमारा थ्री में, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेवन इन इक्वेशन थ्री। थोड़ा सा लेंदी होगा इसलिए मैं यहाँ से मिटा कर फिर वहाँ लिखता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा ये, और बिल्कुल कुछ नहीं है, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस ज़्यादा कुछ नहीं है, आप बस देखते जाइए क्या करना है आपको। ये टी बी एस की वैल्यू यहाँ पुट करें, तो पहले ये वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पर नॉर्मली अपने, एच नॉट ए नॉट टी डैश एफ एस प्लस एच आई ए आई टी डैश एस अपॉन एम बी सी पी बी एस प्लस एच नॉट ए नॉट प्लस एच आई ए आई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सेम लिखा हूँ। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, टाउ टू एस प्लस वन इंटू टी डैश एस, इतना तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ टी डैश एस है, यहाँ भी टी डैश एस है, ठीक है ना, तो कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, एक बार इस पार्ट को पूरा लेंगे और एक बार इस पार्ट को पूरा लेंगे, तो इस वाले पार्ट को पहले लिख लेते हैं, एच नॉट ए नॉट टी डैश एफ एस, इस वाले को भी छोड़ते हैं क्योंकि दोनों के पार्ट में ही है ना, नीचे वाला इसके बारे में एक लेंगे, एक इसके बारे में एक लेंगे, तो एम बी सी पी बी एस प्लस एच नॉट ए नॉट प्लस एच आई ए आई। अब इस पार्ट को उधर करते हैं तो क्या हो जाएगा, टाउ टू एस प्लस वन, और ये आएगा इधर क्या होगा, प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, एच आई ए आई अपॉन एम बी सी पी बी एस प्लस एच नॉट ए नॉट प्लस एच आई ए आई। बिल्कुल आपको सिंपल लग रहा हो, क्योंकि आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, बस आपको यहाँ कैलकुलेशन बस गलत आपकी नहीं होनी चाहिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर। तो अब देखते हैं क्या करना है, इसको इस सेक्शन को पूरा ऐसे ही रहने दीजिए, अभी कुछ काम नहीं है, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो क्या होगा, टाउ टू एस, एस तो अभी बाद में लिखेंगे, चलो लिख लेते हैं अभी, पहले वन में मल्टीप्लाई कीजिए, आपको इजी होगा थोड़ा, पहले वन में मल्टीप्लाई कीजिए आप, ताकि आपको इजी पड़े, एम बी सी पी बी एस प्लस इसका वन में एच नॉट ए नॉट प्लस एच आई ए आई, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, एम बी सी पी बी टाउ टू एस प्लस, अब इसका उसमें करिए एच नॉट ए नॉट टाउ टू एस, टाउ टू एस प्लस इसका इसमें कीजिए एच आई ए आई टाउ टू एस, इसके आगे माइनस में क्या आ गया, ये बचा हुआ ना एच आई ए आई, इतनी वैल्यू। अब देखिए यहाँ एच आई ए आई है, एच आई ए आई अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये इसके नीचे पूरा क्या बचा है, ये पूरा टर्म बचा है ना, मान लेते ये पूरा टर्म ये बचा हुआ है, सेम टर्म ये है, सेम टर्म इसमें है ना, तो इसको इसको काट देंगे ना हम, मान लिया अभी एक्स इतना बड़े टर्म को लिखने से अच्छा इसने को हमने काट दिया, तो इधर क्या बचा हमारा, एच नॉट ए नॉट टी डैश एफ एस, इतना बचा इधर। अब इधर देखिए क्या क्या बच रहा है हमारा, एम बी सी पी बी एस प्लस एच नॉट ए नॉट प्लस एम बी सी पी बी टाउ टू एस प्लस एच नॉट ए नॉट टाउ टू एस प्लस एच आई ए आई टाउ टू एस, इतनी वैल्यू हमारी यहाँ पे बची। और यहाँ क्या था हमारा, क्या हमने कॉमन लिया था, हमने यहाँ से कॉमन क्या लिया, टी डैश एस, अब टी डैश एस हमारा यहाँ बच जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर भेज रहे हैं, इसको हम इधर भेजें, पूरा डिवाइड करें सबसे, तो क्या हो जाएगा हमारा, टी डैश एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आगे, एक सेकंड देखते हैं हम,
टी डैश एफ एस इक्वल टू, इसको इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा, एम बी सी पी बी एस अपॉन एच नॉट ए नॉट प्लस, इसकी वैल्यू यहाँ पर वन हो जाएगी, प्लस एम बी सी पी बी टाउ टू एस अपॉन एच नॉट ए नॉट प्लस एच नॉट ए नॉट टाउ टू एस अपॉन एच नॉट ए नॉट, ठीक, प्लस एच आई ए आई अपॉन एच नॉट ए नॉट टाउ टू एस, इतनी तो वैल्यू आपको मिल गई, ठीक। अब क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या निकलता है, आउटपुट अपॉन इनपुट निकलता है, ठीक। तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये तो रिवर्स हो जाएगा ना बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा हमारा टी डैश एस अपॉन टी डैश एफ एस, अगर इसको इधर ले जा रहा है तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, तो इसको क्या लिख ले, वन अपॉन के टर्म में लिख लेते हैं। अब देखो जो हमने वहां वैल्यू माना था तो इसको हमने क्या माना था, टाउ वन, तो ये हो गया टाउ वन एस प्लस, ये वन की वन वैल्यू हो गई, प्लस ये क्या वैल्यू हमारा है टाउ वन टाउ टू एस, ये टाउ वन की वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू हमारी, ये हमारी टाउ टू की वैल्यू थी, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल आउट हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो टाउ टू एस प्लस ये हमारी वैल्यू किसकी है, ये हमारी वैल्यू किसकी निकल आई थी, ये किसी की वैल्यू नहीं थी, एच आई ए आई अपॉन एच नॉट ए नॉट टाउ टू एस, ठीक है ना। अब हमें कुछ नहीं करना है, एस वाले टर्म को कॉमन बस ले लेना और कुछ भी नहीं करना है, एक एस स्क्वायर का भी टर्म आ रहा होगा इधर, कहीं मिसगाइड हुआ है, एक कहीं एस स्क्वायर का टर्म था यहाँ पर जब हमने मल्टीप्लाई किया था, एस स्क्वायर कहीं आया था, ये जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो कहाँ गया, ये एस स्क्वायर होगा ना, देखिए ध्यान रखिए, यहाँ से एस जब लगा तो एस स्क्वायर आया होगा ना, तो ऐसी थोड़ी सी गलती होती है तो आप इस पर ध्यान रखिएगा कि गलती ना हो पाए एग्जाम में, तो यस इतना यहाँ हमारा एस स्क्वायर हो गया। तो अब इसको क्या हो गया, एस अगर हम कॉमन लेंगे तो वन अपॉन वन प्लस, इसको वन हमने इधर ले लिया, टाउ वन प्लस क्या हो गया टाउ टू प्लस एच आई ए आई अपॉन एच नॉट ए नॉट, ये हो गया हमारा वैल्यू, ये हमारा एस कॉमन लेने को हुआ, बचा क्या टाउ वन टाउ टू एस स्क्वायर, ये हमारा हो गया ट्रांसफर फंक्शन इसका जिसके लिए आप परेशान थे, ये हमारा आ गया उसकी वैल्यू। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, बस आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना था कि आपको करना क्या है, पहले बल्ब का एंथैल्पी बैलेंस करिए, फिर हमारी मरकरी, उसके बाद उसकी वैल्यू लाकर यहाँ पर पुट कर देनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि वही एक मोटिवेशन का जरिया होता है, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, थैंक यू।